सो हेलो एवरीबॉडी, सो टुडे आई विल बी टॉक अबाउट हाउ टू एडिट फॉर अगर जो ये मेरी फ्रीलांसर ऐड है, जैसे कि मैंने पहले भी दो वीडियो मैंने बनाए हुए थे, वो भी मेरे फ्रीलांसर में मेरे को ऐड मिली हुई थी। और वो ऑब्वियसली बात है कि जो फ्रीलांसर की जो ऐड होती है, जो नॉर्मल जो शॉप की ऐड होती है, वो कोई प्रोफेशनल ने शूट नहीं की होती है। वो ऐसे ही मैनेज करके अगर जो शूट कर लेते हैं, थोड़ी डायरेक्शन लेकर शूट कर लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब का वीडियो देख के थोड़ा घना शूट कर लेते हैं, अच्छा मैं वो एकदम प्रोफेशनल नहीं होता है। तो वो अगर जो फ्रीलांस क्रेडिट आपके पास आया है, अगर कोई आपका रिलेटिव हो, कोई भी आपका जान पहचान वाला हो, वो आपको बोले और वो आप पॉसिबल नहीं हो वहाँ पे शूट जाने के लिए, जैसे कि ये पूरी एड पूरी कनाडा की है, कुछ इंट्रोडक्शन देने के लिए भी कुछ इसको ऐसा सजेस्ट भी कर सको कि तू इस टाइप का शॉट ले, वो भी थोड़ा घना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको थोड़ी अपने आइडिया दे सकते हैं कि आप इस तरीके की आप एड शूट करते हो और इस तरीके कर सकते हो, तो उसको जो उसकी वो जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं होता है, सो वो अपने रिच से अपनी पूरी ट्राई करता है और वो डबल ट्राई आपके करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे जैसे कि हम एडिटर लोग हैं, वो एडिटर का एक चैलेंजिंग रोल होता है। अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आपको एडिटिंग में थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो उस टाइप का अगर जो एड आपके पास आए, अगर जो फ्रीलांसर में आप, अगर आपसे भी कोई जगह पे कोई अच्छा शूट नहीं हुआ और कुछ अच्छा शूट नहीं कर पाई और कुछ ऐसे टेक्निकल के कारण आपको अगर जो लाइट बंद हो गई या लाइट ले गए तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई या सेकंड बैटरी अगर रिचार्ज नहीं हुई, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, कैसे उसका एडिटिंग में वो सब कुछ उसकी गलतियां आप छुपा सकते हो और आपका एडिटिंग अच्छा करवा सकते हो। तो इस टाइप की मेरी एक ऐड मैंने बनाई हुई है, जो जिसकी मेरी फ्रीलांसर में मेरी ऐड आई हुई थी, तो उसको मैंने एडिट करके बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये फुटेज देख लेते हैं और इसी टाइप के एडिटिंग की ट्रिक मैंने और दो एडवर्टाइज बनाई हुई है, वो एक ही वीडियो में दोनों एडवर्टाइज दिखाई हुई है, तो आप मेरा ये आई बटन पर क्लिक करके वो भी वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो में क्या अपना संबंध है। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या अपने ट्रिक यूज करते हैं, जैसे कि कलर करेक्शन। जैसे ये पूरी फुटेज आईफोन 11 मैक्स पे शूट की हुई है, तो उसका एक्चुअली आईफोन का कलर अच्छा होता है, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं होता है जैसा जो कैमरे का होता है, जैसा प्रोफेशनल नहीं होता है, जो अपना कलर करेक्शन में थोड़ा निकलना पड़ता ही है। तो आईफोन का जो शूट किया होता है, जो फोन से शूट किया होता है या अपने एस लॉक में शूट किया होता है, उसके एक अच्छे से कलर करेक्शन की ट्रिक होती है। तो ये वीडियो में हमने कलर करेक्शन ट्रिक और उसको मैनेज करने के लिए कौन सी छोटी बड़ी जो इफेक्ट होती है, जो नॉर्मल इफेक्ट होती है, जैसे एडोब प्रीमियर में ऑलरेडी बिल्ड होती है, नहीं आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, नहीं कोई थर्ड पार्टी से आपको इनबिल्ड करनी पड़ती है या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो इफेक्ट है वो एडोब प्रीमियर ने खुद ने दी हुई है, उसी इफेक्ट से और उसी के कलर करेक्शन से हम थोड़ा ये वीडियो अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसका कैसे साउंड लेते हैं, कैसा नीचे SFX जॉइंट करना पड़ता है, वो पूरा A to Z हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये ऐड देख लीजिए और या सबसे पहले ऐड देख लीजिए। सो आई होप कि ये ऐड आपको अच्छी लगी हो और ये ऐड का शूट कैसे किया हुआ है, वो ओरिजिनल फुटेज कौन सी है, और ये आपको लगता होगा ये ऐड सिंपल है, मगर ये ऐड हाँ सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ किया नहीं हुआ एडिटिंग में। अगर जो आप देखना चाहते हो उसमें कौन सी चीज माइनर याद रखनी चाहिए, कौन सा कलर करेक्शन याद रखना चाहिए, कौन सा फुटेज को अपने किस तरह का इफेक्ट देके उसको बेहतर बनाना चाहिए, सो हम पहले देख लेते हैं। हाँ, इसमें की हुई है ऐसे छोटी छोटी ट्रिक का और एकदम बेहतर आपका ये वीडियो बनाने के लिए बहुत जरूरी, एकदम जरूरी है, वो किस तरह का इसमें यूज की हुई है वो आपको दिखाते हैं। सो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आई होप कि आपको ये इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। सो सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल फुटेज देख लेते हैं, जो माइनर ऊपर से मैं बगा के दिखाता हूँ, पूरी फुटेज दिखाता नहीं हूँ क्योंकि आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि किस टाइप की फुटेज शूट की हुई है और हमने फिर बाद पूरा एडिटिंग का ब्रेकडाउन करता है और SFX का कैसे ही उसको बनाया हुआ है और कैसे उसका इम्पैक्ट बढ़ाया हुआ है और क्या चीज़ यूज़ करी है, जो गलतियाँ छुपाई है वो कैसे करी है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल फुटेज पे काम करते हैं। सो ये ओरिजिनल फुटेज है, तो ओरिजिनल जी इतनी जो फुटेज है उसकी मैंने क्लिप निकाली हुई है, जैसे कि ये शॉट पूरा अखा लंबा है। सबसे पहले आप ये शॉट देख लीजिए, ये यहाँ से फर्स्ट क्लिप, जैसे कि ये क्लिप मैंने यूज करी है दूसरे तीसरे शॉट में, मतलब उसने शूट की हुई पहली शूट में, तो ये फर्स्ट क्लिप है। तो
तो इतनी क्लिप हमारे को जरूरी है, जैसे कि ये आपको दिखा दे कि इतनी क्लिप हमारे को जरूरी है, तो इतनी क्लिप आप कट करके ऊपर निकाल लीजिए। और ये सेकंड क्लिप, अच्छा आपको समझ आ गया है, ये डैनियल सिफर ने ऑलरेडी एक अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा, बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका वीडियो से इंस्पायर हुआ होगा वीडियोग्राफर, और 100% इंस्पायर हुआ होगा, वो अच्छा है, थम्स अप। डैनियल सिफर अच्छा काम करता है, बहुत ही खूबसूरत उसका काम है, अच्छा है। ये फोटेज, ये मैंने क्लिप निकाल ली, और ये क्लिप निकाल ली, और ये जैसे कि ये नीचे जा रहा है ना, इसका कंपोज किया हुआ है ना, कुछ नहीं, सिर्फ ये नीचे जा रहा है, और उसको हमने एड में इस तरीके से दिखाया है। जैसे कि ये क्लिप देखो, ये मैं बंद कर देता हूँ, ऊपर मैंने ये क्लिप देख लो, ओके, इसको यहाँ से एक की दी हुई है, आपको ये सब दिखा देता है, और ये उसका ओरिजिनल फुटेज है, ओरिजिनल फुटेज इस टाइप का है। आपको पता लग गया होगा कि एक किस टाइप का एडिटिंग किया हुआ है और कौन से रिच से आपको अच्छा सा बेहतर दिखाई देता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, तो ये फर्स्ट क्लिप देख लीजिए, जैसे कि ये है, ओके। तो सबसे पहले हम ये मेन ऑडियो ऑफ कर देते हैं, सिर्फ SFX पे और उस पर काम करते हैं, जैसे कि मेन ऑडियो है, मेन ऑडियो ऑफ कर दिया, और ये नीचे वाले SFX पे और फुटेज पे काम करते हैं, और फुटेज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं फर्स्ट क्लिप, ये बार, सिनेमेटिक बार लगाया हुआ है। वो क्यों लगाते हैं सिनेमेटिक बार, जैसे कि कोई भी आपकी ये फुटेज है, जैसे कि एग्जांपल ये फुटेज है, ये फुटेज ऊपर नीचे नहीं की हुई है, मतलब करनी हो, जैसे कि ये फुटेज है, और ये फुटेज वीडियो शूट ने गलती से एकदम पॉइंट टू पॉइंट शूट किया हो, इसने यहाँ से शूट किया हुआ, यहाँ से शूट किया, तो हमारे को शॉट थोड़ा नीचे लाना पड़ता है, जैसे कि ये शॉट नीचे लाना पड़ता है, और ये बारकोड लगा देते हैं, तो आपका ये एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि आप ये शॉट देख सकते हो, ये इतना शॉट चाहता है, अगर इतना शूट किया होता है तो उसके बारकोड से ये नीचे ले लीजिए, ताकि ये आपको उस टाइम पे ये बारकोड आपको ये बंद कर रहे हो, तो ऊपर से कटिंग है, बारकोड लगा दिया तो ऊपर का कवर हो सकता है। सो इस तरह के आप अगर जो शूट बना रहे हो तो इस तरीके से बारकोड रखता है, जैसे कि वो फुटेज अगर जो शूट की होती है तो एकदम कभी कभी एकदम पॉइंट पे शूट की होती है, जैसे कि ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे हाइट पे थोड़ी जगह बाकी है, और ये वीडियो अगर ये ऐसे शूट किया होता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे शूट किया होता है तो नीचे का भाग थोड़ा लंबा दिखता है, तो अगर बारकोड लग जाएगा और ये फुटेज थोड़ा डाउन हो जाएगा तो आपको बेहतर से और अच्छे से दिखाई दे पाता है, इसलिए ये बारकोड लगाने का जरूरत है। अगर कोई आप इफेक्ट यूज करते हो तो इफेक्ट में फुटेज ऐसा जूम करके होती है तो ऊपर का थोड़ी ब्लैक पट्टी आ जाती है, वो ब्लैक पट्टी नहीं दिखाने के लिए बारकोड यूज करते हैं। सो कुछ लोग सोचते हैं कि बारकोड लगाने के से सिनेमेटिक लुक दिखता है, सही बात है, दिखता है, तो मतलब एडिटर क्यों ऊपर नीचे सिनेमेटिक बार लगाता है, वो इस वजह से लगाता है। वो यूट्यूब काफ़ी ऐसे नए यूट्यूब है, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हो आप, ऐसा बारकोड लगाओ तो उसे आपका फुटेज सिनेमेटिक दिखता है, बार लगाने से सिनेमेटिक हो ही जाती है फुटेज, वो पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए एडिटर बार लगाते हैं। सेकंड फुटेज ले ली, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला ये बारकोड की ये ऊपर बार लगाया हुआ, और सेकंड कलर करेक्शन देखिए आप डिफरेंस देख सकते हो। ये कलर करेक्शन की सबसे बेहतर बात यह है कि इसमें ना ही मैंने कोई लट्स यूज करा है, ना ही कोई टेक्निकल कोई चीज़ा कोई कलर यूज किया हुआ है, ना ही कोई अलग सॉफ्टवेयर में जाके इसका कलर करेक्शन, सिर्फ इसी में किया है, और सिर्फ पर सिर्फ बेसिक कलर करेक्शन किया है जो एडोब प्रीमियर खुद देता है आपको। सो उसी से आपका काम हो ही जाता है ऑलमोस्ट, आपको कलर करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिनेमेटिक शूट करते हो, कोई आउटडोर शूट करते हो, कोई अच्छा सा शूट करते हो, तो अगर प्रोफेशनल शूट हो तो आपको कलर करेक्शन जरूर नहीं, क्योंकि उसमें आप कैमरा यूज करते हो, कैमरा S-Log से शूट करते हो, S-Log 3, S-Log 7, आप किसी से भी शूट कर सकते हो, तब आपको ऐसा इपिक बनाने के लिए आपको कलर करेक्शन। अगर iPhone 11 Pro, ये ओरिजिनल फुटेज है, ये ओरिजिनल फुटेज है, ये iPhone 11 की ओरिजिनल फुटेज है, और इसको बार लगा दिया और इसको कलर करेक्शन कर दिया, जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हो, ये बार आया तो उसको मैंने यहाँ से स्केल दिया हुआ है,
जैसे ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये जो आइसक्रीम है वो धीरे एकदम ऊपर चली गई है, तो उसको मेरे नीचे लानी पड़ती है। और नीचे लाने के लिए ये आप देख सकते हो इधर ये बाहर निकला है, देखो ये बाहर निकल रहा है, और ये जो बाहर निकला है उसको छुपाने के लिए सिनेमेटिक बार लगा है। इतने वो बाहर निकलता आपको दिखे नहीं, और सिनेमेटिक बार से आपका फुटेज जो अच्छे से बेहतर दिखा था, इसलिए मैंने सिनेमेटिक बार लगाया। कलर करेक्शन कैसे किया हुआ है, उसका कौन सा बेसिक से अच्छे से बढ़िया से ट्रिक यूज करिए, वो हम वीडियो के चलते चलते आपको दिखा दे रहे, ताकि आप आखिर फुटेज देख लो तो बाद में आपको पता चलेगा कि कलर करेक्शन में कौन सी चीज हुई है और कौन से इफेक्ट से आपका कलर करेक्शन अच्छा लगता है। इसलिए आप वीडियो एंड तक देख लीजिए। सो आई होप कि आपको सब कुछ पता लग जाएगा वीडियो के एंड तक। ये फुटेज है और ये फुटेज का कलर करेक्शन देख लीजिए। ओके सो इस तरह, अगर ओरिजिनल फोन का ऐसा कभी कलर आता ही नहीं है, कोई भी आप शूट कर लो सब फर्स्ट नज़र में आपको अच्छा लगेगा, मतलब फिर कलर करेक्शन बाद इसका इस तरह का अगर डिफरेंस हो जाता है तब आपको पता लगता है कि ओरिजिनल कैसा था और कलर करेक्शन के बाद कैसा हो सकता है। सो नीचे मैंने सारी साउंड इफेक्ट लगाई हुई है, वो आप सुन लीजिए, देखिए। ओके सो इस तरह में सिर्फ और सिर्फ साउंड इफेक्ट साथ और सिर्फ और सिर्फ एस इफेक्ट साथ ओरिजिनल ये जो मेन साउंड है हमारा ये साउंड उसको निकाल के सिर्फ एस इफेक्ट्स पे मैं पूरी वीडियो में लास्ट में प्ले कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिए और वहीं से भी आपको अच्छा पता लग जाएगा कि अच्छा तो साउंड इफेक्ट इतना मैटर करता है वीडियो के लिए। अगर एस इफेक्ट साउंड इतना मैटर करता है, ऐसे वॉइस इफेक्ट सुनने से आपको वहीं की लाइव मूवमेंट नजर आती है, जैसे कि ये आप देख लीजिए। ओके तो ये जो कुकीज गिरी है उसका वॉइस है, सब वॉइस अगर जो कान में सुनाई देता है तब आपको ये एड लाइव दिखती है, और लाइव दिखने का मतलब वही होता है कि आपको अच्छी लगती है। वो क्यों अच्छी लगती है, वो ये सब छोटी छोटी एस एफ एक्स और ये सब डालने से अच्छी लगती है। और ये नेक्स्ट वीडियो ये पूरी एड में ये पूरी एस एफ एक्स एड में पहले लास्ट में प्ले करके रख दूंगा, सब वहीं से अच्छे से बेहतर समझ पाएगी। और ये नेक्स्ट शॉट है, जैसे नॉर्मल ये गिराया हुआ है और इसको भी मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है, जैसे जूम है जूम से जूम आउट किया हुआ है। और ये फुटेज इसको देखो, ये यहाँ पे मैंने एक की लगाई हुई है, आप की देख सकते हो, और ये नीचे गए और यहाँ पे दूसरे ऊपर फुटेज रख दी और यहाँ से ये गया, ये ओरिजिनल फुटेज है, इसको जूम किया हुआ है। ओके सो इसी तरह अगर जो आप कोई भी फुटेज हो, अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड जैसे कैमरे का भी फुटेज क्यों ना हो और फोन की भी फुटेज क्यों ना हो, उसको लिमिट से ज्यादा जूम करोगे तो उसका पिक्सल फटेगा और आगे पीछे की फुटेज अच्छी क्वालिटी की भी होगी, और बीच में ये और थोड़ी बिना पिक्सल के थोड़ी फटी हुई इमेज अगर जो आपके सामने आएगी तो थोड़ा एडवर्टाइज में थोड़ा लेवल लो लगेगा, तो क्वालिटी थोड़ी लो आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी सारी फुटेज इतनी क्वालिटी आएगी और बीच में एक फुटेज ऐसे आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप हमेशा जूम लिमिटेड में करिए, इतना भी जूम मत करिए कि ताकि अच्छा लगे ना। और ऐसा कुछ ये एडवर्टाइज में मेरा इतना जूम इनफ है और मेरा इतने जूम से काम हो गया, अगर आपको इससे ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत हो तो आप कौन सी ट्रिक यूज़ करते हो, जैसे कि ग्लिच, जूम करिए ग्लिच लगा दीजिए और ग्लिच करके सेकंड फुटेज पे चले जाइए। इससे क्या होगा कि जो फटी हुई फुटेज है वो एग्जैक्टली वो ग्लिच में अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे कोई भी व्यूअर को पता नहीं लगेगा कि क्वालिटी खराब है, क्योंकि वो ग्लिच साथ मिक्स हो जाती है, इसलिए वो नेक्स्ट फुटेज पे चल गई। तो ये याद रखिए, अगर जो ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत हो तो बीच में ग्लिच की इफेक्ट रखते हैं, अगर जो ग्लिच की इफेक्ट तभी डालिए तो जो नीचे म्यूजिक साथ शूट हो सके, और ग्लिच की इफेक्ट डालते टाइम उसके नीचे एस एफ एक्स जरूर रखिए, जैसे तो उसके नीचे एस एफ एक्स जरूर रखिए कि ताकि वो ग्लिच साथ मिक्स हो सके और अच्छा लग सके। इसलिए मैंने सारी फुटेज पे एग्जैक्टली नीचे एस एफ एक्स डाला हुआ है। सो ये नेक्स्ट फुटेज देख लेते हैं। ओके ये दो फुटेज जॉइंट की हुई है, ये फर्स्ट फुटेज, ये सेकंड फुटेज, और इसके नीचे एक कलर मेट, जैसे ये कलर मेट लगाया हुआ है। हर आप 3 से 4 सेकंड बाद थोड़ा अच्छा सा एडिट करिए, थोड़ा अच्छा सा क्रिएटिव एडिट का एक दो फुटेज डालिए ऐसा अच्छा जो 3-4 सेकंड बाद, तो पूरी आपकी जो 10-15-20 सेकंड की जो एडवर्टाइज है वो अच्छे से दिख पाए और अच्छी लग पाए। इसलिए हमेशा कॉमन शॉट यूज मत करिए, हमेशा 2 से 3 सेकंड बाद ऐसा अच्छा शॉट डालिए और अच्छा क्रिएटिव शॉट डालिए, जो ये बहुत क्रिएटिव नहीं है दो लगाया हुआ है, क्योंकि सिंपल एड है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, कि जिस तरह से शूट की हुई है इस तरीके से ये अच्छी
दिख रही है, तो इस तरह मैंने इसको थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा 3-4 सेकंड बाद ये थोड़ा क्रिएटिव बना दिया, ऐसे इसी इसके लेवल का क्रिएटिव, जो बहुत ऐसा इलेक्ट्रो जो मास्किंग करके क्रिएटिव क्रिएटिविटी करते हैं उस टाइप का क्रिएटिव नहीं, ये थोड़ा पार्ट करके क्रिएटिव थोड़ा शॉर्ट बना दिया। अगर ये शॉर्ट से अच्छा इंप्रेशन गिर रहा है और थोड़ा ये शॉर्ट से अच्छा इंप्रेशन गिर रहा है और ये नेक्स्ट शॉर्ट और ये नेक्स्ट शॉर्ट और फिर से थोड़ा अलग, जैसे कि मिरर किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको मिरर किया हुआ है, इसको मिरर करके राउंडेड कर दिया है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। यहाँ से क्लिक करिए और MIRROR ये मिरर क्लिप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से ये कर दीजिए और इसको प्ले करिए, ये थोड़ा क्रिएटिव बन गया शॉट। इसलिए हर थोड़ी थोड़ी 2-4 सेकंड बाद थोड़ा अच्छा सा शॉट डाल लीजिए, जैसे कि आपको बोरिंग वाली फीलिंग ना आए। और ये शॉट है और नेक्स्ट शॉट सेम एग्जैक्टली मैंने लाइनर यूज किया हुआ है, ये लाइनर है जैसे आप देख सकते हो, ये लाइनर यहाँ से लाइनर स्वाइप, ये LINER लाइनर, सॉरी LINER लाइनर स्वाइप, ये लाइनर स्वाइप ए रहा, ओके ये लाइनर स्वाइप यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और ये जैसे कि आप देख सकते हो ये कहीं से भी कट सकती है, तो ये काट दिए और इसको एंगल है और ये एंगल दे दिया है और इसको थोड़ा फेदर दे दिया है ऐसा, जैसे कि ये फुटेज ओरिजिनल ऐसी है, ये ओरिजिनल फुटेज है, इसको थोड़ा क्रॉस ले लिया है और ये नीचे वाली फुटेज ये है और ये ओरिजिनल फुटेज ये है, ये दो फुटेज। इसमें क्या किया हुआ है, दोनों फुटेज दोनों कॉमन है, दोनों फुटेज इपिक नहीं है, दोनों फुटेज नहीं भी यूज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडवर्टाइज अच्छी बनाने के लिए थोड़ी ड्यूरेशन लिमिटेड रखने के लिए, जैसे कि एकदम से आप 3-4 सेकंड के एडवर्टाइज बना के वो इस तरीके का होती है, इसमें पूरा एलिफिक का ठीक से बना हुआ है, तो उसमें ये फुटेज उसको आप इस तरीके से बना के थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं, ताकि आपको वो जो फुटेज जो आपने देखा तो थोड़ी फुटेज में थोड़ा कुछ था नहीं, उसका ओरिजिनल फुटेज भी हम यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, एरा ये सारा फुटेज है, एरा ये फुटेज आप देख सकते हो, ये फुटेज आप देख सकते हो, देखो ये इस टाइप का फुटेज है और उसको ऐसा करा, इसको कलर करेक्शन किया हुआ है, देखो ये नॉर्मल जो फुटेज जो शूट की है वो नॉर्मल फुटेज और ये कलर करेक्शन वाली फुटेज, और ये शॉट मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है, ये ओरिजिनल शॉट इस टाइप का था और उसको थोड़ा जूम कर दिया है और ये यहाँ पे थोड़ा बीट पे लगाया हुआ है, जैसे कि आप ये बीट सुन सकते हो, नीचे से लेके ये जूम हो रहा है, ये एकदम ही कॉमन शॉट है, जैसे कि आप देख सकते हो एक ही पोजीशन में शॉट रखा हुआ है, स्टेबल शॉट लिया हुआ है, उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए ये कर दिया, थोड़ा जूम कर दिया और थोड़ा जूमिंग ले दिया, वो स्केल देने से अच्छा लगता है एंड अच्छी बनती है, जो स्टेबल फुटेज से अच्छा है थोड़ी स्केल दे दो। अगर जो वीडियोग्राफर अगर नया होगा वो ऐसा स्केल तो नहीं दे पाएगा, ऐसा स्केल नहीं दे पाएगा, पैन नहीं कर पाएगा, अगर जो पैन नहीं करता है तो आप इस तरीके का थोड़ा एडिटिंग में एडजस्ट करके उसको पैनिंग करके अच्छे से बता सकते हो। और ये नेक्स्ट शॉट है, जैसे कि ये शॉट है वही ये शॉट है, ये शॉट पूरा क्रीम ऊपर से जा रहा है तो मैंने दो जगह में कर दिया, जैसे कि ये आपको मैं दिखा दूँ, ये शॉट है पूरा, ठीक है ये पूरा शॉट है, लंबा शॉट है, मैंने पूरा लंबा शॉट नहीं रखा, इसका एक भाग इतना रखा, यहाँ पे दूसरी फुटेज डाली और यहाँ से फिर से वो शॉट खत्म किया, ताकि पूरा लंबा शॉट रखने की जरूरत है, पूरा लंबा शॉट आप 1-2 सेकंड का रखे उसको बोर करेगा, इससे बेहतर है आप थोड़ा शॉट रखिए, बीच में और शॉट डालिए और थोड़ा फिर से ये शॉट का थोड़ा जो कंटिन्यू शॉट है वो थोड़ा रखिए, तो इंटरेस्टिंग बिठाइए, थोड़ा ऐसा बिल्डअप बनेगा एडवर्टाइज का और थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और मेन इंपॉर्टेंट बोरिंग नहीं लगेगा। और यहाँ से ये लाइनर इफेक्ट डाली हुई है हमेशा की तरह, ये लाइनर इफेक्ट है, सो यहाँ से उसको पैनिंग किया हुआ है, यहाँ से ये पैनिंग की दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये ऐड आ गए, ठीक है ये नीचे वाली फुटेज है, ये
और ये फुटेज का ओरिजिनल ये फुटेज है, और ये फुटेज पे काफी सारे स्केल दिया हुआ है क्योंकि पूरी स्टेबिलाइज नहीं है। जैसे कि मैंने व्रैप स्टेबिलाइज डाला है, इधर से आप डाल सकते हो स्टेबिलाइज, एक सिलेक्ट करके इधर स्टेबिलाइज किया हुआ है और यहाँ से पूरी एक की डाली हुई है जिसकी ऐसे 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 हिल रहा था पूरा फुटेज, तो उसको दिखा देता हूं। ये ओरिजिनल फुटेज, तो ये फुटेज एक्चुअली बहुत इपिक नहीं लग रही है, इसलिए उसको अच्छी बनाने के लिए ऐसे बनाई है। ओके, सो यहाँ पे ये की रखी हुई है और लिमिटेड टाइम ओनली, जो क्लाइंट के मैंने एज यूजुअल बोला क्लाइंट की डिमांड थी। और यहाँ पे ये लोगो, और ये लोगो आफ्टर इफेक्ट में रेंडर किया हुआ है, थोड़ा ग्लिच लगाया हुआ है आप सुन सकते हो। ओके, और ये लोगो जो है उसके नीचे कलर मेट रखा हुआ है, जो लोगो पीएनजी था से इसका ये और ये सारा कलर थोड़ा कंबाइन मिलकर, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मिलकर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये ब्लू कलर रखा। सो नीचे ये रखा और यहाँ से स्टेबल इमेज, ये सिर्फ ये लोगो के पीएनजी है और कुछ नहीं है। और ये कलर करेक्शन की बात कर लेते हैं। सो कलर करेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिखा दूँ ये कलर करेक्शन है। तो एक कलर करेक्शन में यहाँ पे कोई लट्स डाला नहीं हुआ है, कोई लट्स डाला हुआ नहीं है, ये यहाँ से सेटिंग हुआ है। जैसे कि ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, हाईलाइट कम कर दिया है, ब्लैकनेस थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, थोड़ा आईफोन की फुटेज थोड़ी हमेशा थोड़ी वाइट ज़्यादा रहती है, थोड़ा ब्लैक कर दीजिए। सेचुरेशन हमेशा की तरह बढ़ा दिया है, जैसे कि कोई भी कॉमन फ़ोन होगा उसका सेचुरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसका सेचुरेशन बढ़ा दिया है। और कव कव में शार्पनेस थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि थोड़ा ब्लर होता है, कोई भी फ़ोन का फुटेज होगा इतना तो क्वालिटी होगा नहीं, तो एड के अंदर थोड़ी क्वालिटी डालने के लिए थोड़ा शार्पनेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा शार्पनेस बढ़ा दीजिए। ठीक है, कव द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमेशा याद रखिए ये चीज, ये कव, ये कव से बहुत ही इफेक्ट होता है। ये कव मैंने हर मेरे बीरोल के ट्राई में मैंने यूज किया है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जो मैंने बीरोल बनाया हुआ था, जो मेरा बैक का बीरोल, वो भी मैंने सिर्फ आईफोन पर शूट किया हुआ था। जैसे कि ये जो क्लाइंट के एडवर्टाइज है वो मैंने सिर्फ एक ही शूट मैंने ये आईफोन से किया हुआ है, और वो अच्छे से बना हुआ है और वो अच्छे से इपिक भी बना हुआ है। वो एडवर्टाइज सिर्फ एक आईफोन से यूज किए और उसके अंदर लाइट भी एक ही यूज की है, जो एडी है लाइट है, जो मार्केट में 2200 की मिल जाती है। सो ये एक ही लाइट यूज़ की है और आईफोन ऐसी यूज़ किया हुआ है, जो पुराना आईफोन है उसे मैंने एक ऐड बनाई है, आप लोगों ने पसंद भी अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने सिर्फ यही ट्रिक यूज़ करी है, जैसे कि ये एस कव हो जाता है, तो ये ट्रिक हमेशा यूज करी, मेरे सारे बीरोल में मैंने ये ट्रिक यूज़ करी है। मैंने ऑलमोस्ट मेरे सारे बीरोल में मैंने लट्स हो सके इतने कम यूज कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने हर बार लट्स नहीं यूज कर रहे, मैं एसलॉक 7 में शूट करता हूँ और ऑलमोस्ट ये बेसिक ट्रिक से मेरा काम हो ही जाता है और अच्छा हो ही जाता है, कोई मेरे को ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चीज कर सकते हो, जैसे क्रिएटिव में ये शैडो टिप्स है ये कर सकते हो, ये थोड़ा हाईलाइट का सेटिंग कर सकते हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो। ये कलर करेक्शन किस तरह करते हो उसका भी मैं एक अच्छे से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा इंशाल्लाह, जैसे ये नेक्स्ट वीडियो बाद मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। सो या, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को इंस्टाग्राम मेंबर को फॉलो कर दिए, इसका मैंने पूरी टाइमलाइन साइड और डिटेल इनसाइड मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, सो आप वहीं से भी इजीली सीख सकते हो। ये तो वहाँ पे कुछ डीएम आए हुए कि ये चीज़ एडवर्टाइज में कैसे बना पाई, कैसे ऐसी फुटेज को ऐसे बना पाई, कैसे एडिटिंग कर पाई ऐसा, सो मैंने ये आपको बता दिया है। तो ऑलरेडी अगर जब शॉर्टकट में सीखना चाह रहे हो, अगर जब पहले से एडिटर हो और आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी समझ आ जाती है, और ये कैसे किया है कैसे नहीं, आप टाइमलाइन साथ देख के भी आप समझ सकते हो, तो देख लीजिए, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, सो आप यहीं से भी सीख सकते हो। तो आपको ये यूट्यूब का पूरा डिटेलिंग जाने की ज़रूरत नहीं, अगर जो आपको ऐसी छोटी बड़ी ट्रिक जाने की ज़रूरत है और तो पूरा डिटेलिंग जाने की ज़रूरत है तो मेरा ये यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, वरना आप इंस्टाग्राम पर भी मेरा वीडियो देख सकते हो, और वहाँ पर मैं ऐसे काफ़ी सारी छोटी बड़ी ट्रिकें और सब कुछ डालता रहता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मेरे को ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक भी है, तो आप फॉलो कर दीजिए और वहाँ से भी आप अच्छे से सीख सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और या
और एक बिग अनाउंसमेंट है, ये छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो के एंड में। और जो आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसे 7 बी रोल ला रहा हूँ, 7 प्रोडक्ट, 7 बी रोल, 7, और सारे ड्रिंक्स के बी रोल है, ऐसे अल्कोहल नहीं है, सारे मैंगो जूस है, कुछ सोडा है, वो है, टोटल 60 बी रोल ला रहा हूँ। सो ये थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, वो आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा मैं 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगा उस पर कि बिग अनाउंसमेंट करूंगा। मगर ये वीडियो अगर जो आपने यहाँ तक देख लिया तो मैं मेरे को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसे 7 बी रोल वीडियो आ रहा हूँ और इंशाल्लाह ये 1 महीने के अंदर हो जाएगा सब कुछ, ऐसा होप करते हैं। तो या सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, और या थैंक यू।